देखें तो इसमें हम देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट होता क्या है, आइडल क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जो सारे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो सारी चीजें सेम टू सेम हम यहाँ देखेंगे। तो पहली बात हम बात करें तो जो पाइथन होता है, पाइथन हैज अ वेरी रिच सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। दो टाइप के फंक्शंस पाइथन के पास हैं, बिल्ट इन होते हैं और फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। बिल्ट इन फंक्शन मतलब ऐसे बने बनाए मेथड्स, ऐसे बने बनाए फंक्शंस जो पहले से बने बनाए हैं, आप जिसको यूज कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट। सिंपल काम क्या है? प्रिंट करना। अब लेकिन फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ? मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है? हेडर फाइल जैसा। अब ऐसे फंक्शन जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हैं, उनका बंडल बना दिया गया। बंडल मतलब जैसे मैं आपको एक बताऊं, मॉड्यूल मैथ, समझना सुनना मेरी बात को, मैथ मॉड्यूल है। अब मैथ मॉड्यूल में फैक्टोरियल निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब निकालना है, सपोज दैट। अब ये सारे के सारे जो फंक्शंस होंगे वो किस मॉड्यूल में होंगे? मैथ में। तो दोनों में अंतर ये है, वो स्टैंड अलोन फंक्शन की बात कर रहा है, बिल्ट इन फंक्शन, और यहां मॉड्यूल मतलब एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए मॉड्यूल बना हुआ है, विच इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शन। Is that clear to all of you? Clear or not? Yes, sir. Good. So built-in functions are those functions which are always available for use. For example, print, it is a built-in function which prints the given object to the standard output device. As of version 3.65, Python has 68 built-in functions. अब इसके 3.6 वाले के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके देख सकते हो। वर्जन 3.9 के लिए मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया हुआ है, इस लिंक पे आप जाओगे आपको पूरे के पूरे बिल्ट इन फंक्शन दिख जाएंगे, जो मैंने आपको स्क्रीन में रखा भी हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे तो ये पूरे के पूरे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पहले से बने बनाए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। तो जैसे पुराने प्रोग्राम को याद करो, हमने फर्स्ट डॉट पाई लिखा था और ये प्रिंट जो फंक्शन हमने यूज किया था, ये जो प्रिंट फंक्शन था, ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, तो If we closely observe, we will see that the two messages are getting displayed on separate lines. देखो यहाँ अलग-अलग लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करता है? प्रिंट तो करता ही करता है, साथ में लाइन भी चेंज करता है। ये जो प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट तो करता ही करता है, साथ में लाइन भी चेंज करता है। इसका मतलब इसमें बैकस्लैश एन एम्बेडेड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात ये भी है, बात आ गई कि प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली अपेंड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर द मैसेज इट इज प्रिंटिंग। लेकिन बेटा अगर मान लो मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे तो क्या करना है, लाइन चेंज नहीं करनी है, फिर क्या करोगे? अगर आपको लाइन नहीं चेंज करनी है तो क्या करोगे बताओ? तो उसके लिए हमारे पास होता है एंड स्टेटमेंट। ये होता है, देखो प्रिंट में ही आपने जैसे हेलो यूजर लिखा, इसमें एक एंड स्टेटमेंट होता है। एंड स्टेटमेंट में क्या करते हो आप? एंड के साथ बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन अटैच्ड होता है, समझना। एंड के साथ बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन अटैच्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपने एंड नहीं लिखा मतलब वो बैकस्लैश एन अपेंड कर रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर अपेंड कर रहा है। लेकिन मैं एंड इक्वल टू और डबल कोट्स रख के उसको स्पेस दे दूं, मतलब मैंने बता दिया कि अब मुझे बैकस्लैश एन नहीं लेना है, मैंने उसको नल कर दिया, वहां आपने कुछ भी लिया नहीं, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? न्यू लाइन कैरेक्टर में वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बता दिया हेलो यूजर और डबल कोट्स क्लोज होने के बाद कॉमा एंड इक्वल टू कुछ भी मैंने नहीं दिया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अब आप क्या कर रहे हो? लाइन चेंज नहीं करना चाहते हो। इसको हम क्या करते हैं, चला के देखते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल बोला पाइथन, सेल पे चलते हैं डायरेक्ट, सेल पे चले और सेल पे मैंने बोल दिया, सेल से अच्छा है मैं इसको क्या करता हूं आपको डायरेक्टली कोड में करके बताता हूँ। पाइथन कोड को ही सेव कर देते हैं, फर्स्ट डॉट पाई है ना, इनको ही चेंज कर देते हैं इजीली। देखो अब मैंने यहां, देखो यहां क्या किया, हेलो यूजर और एंड इक्वल टू मैंने उसको स्पेस कर दिया, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लेना है मुझे। ठीक है, अब मैंने बोला पाइथन, और पाइथन के बाद मैंने बोला बच्चे फर्स्ट डॉट पाई। अब देखो लाइन चेंज नहीं हुई, हेलो यूजर और पाइथन रॉक्स आ गया। अब बेटा इसको देखो, आप यहां चाहो ना बैकस्लैश टी दे दो, बैकस्लैश, अब क्या करेगा, प्रिंट के साथ बैकस्लैश टी एसोसिएट हो जाएगा। बैकस्लैश टी मतलब टैब, टैब मतलब एक स्पेस आ जाएगा बीच में,
लाइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सेव नहीं हुआ आई थिंक, ये देखो हेलो यूजर टैब आ गया बीच में। ये चीज समझ में आ गई बेटा सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? इज दैट क्लियर सर? और कोई कैरेक्टर भी डाल सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी आपको कैरेक्टर्स पता है ना, एस्केप सीक्वेंसेस, वो सारे के सारे यूज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, एम्प्टी स्ट्रिंग आपने दिया तो पाइथन नॉट प्रोड्यूस एनी लाइन, और सिमिलरली वी कैन गेट सेट इट टू बैकस्लैश टू पी टू जनरेट टैब, और बैकस्लैश बी टू इरेज द प्रीवियस कैरेक्टर, ठीक है। ये देखो एग्जांपल मैंने यहां लिया हुआ है, बैकस्लैश टी के साथ बैकस्लैश बी ले लोगे तो यूजर का आर हट जाएगा। बैकस्लैश बी क्या करता है? बैक स्पेस करता है, ठीक है, तो यूजर का आर हट जाएगा, ठीक है। अ फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अ मॉड्यूल इन पाइथन इज कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड स्टेटमेंट विच प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे पाइथन इज हंड्रेड ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स लाइक मैथ सिस प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रास, ठीक है। तो अगर आपको जैसे फैक्टोरियल निकालना है तो इसके पास मैथ मॉड्यूल है जिसके अंदर फैक्टोरियल फंक्शन होता है, तो जो मॉड्यूल यूज करना है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इंपोर्ट मैथ, सिस को यूज करना है तो इंपोर्ट सिस, ठीक है। अब इंपोर्ट मैथ कर लिया जैसे जावा में करते थे याद करो, तो अब उसके पूरे के पूरे फंक्शंस आ गए। अब आपको क्या करना है, जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है उसको मॉड्यूल डॉट फंक्शन का नाम लिख दो, तो मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, तो आउटपुट आ जाएगा फैक्टोरियल 5 का, ठीक है। जैसे देखो अगर मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ और मैंने लिख दिया मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, आ जाएगा 120, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, मैंने बोला चलो पाइथन पे आ जाए, पाइथन पे आ गए हमने, मैंने बोला इंपोर्ट मैथ, मैथ इंपोर्ट हो गया, मैंने बोला मैथ डॉट फैक्टोरियल 4, 24 आ गया, ठीक है। फिर एक होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी एक मॉड्यूल है, उसमें सिस्टम नाम की मेथड है, सिस्टम नाम का मेथड है, तो प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम मैंने अगर लिख दिया बच्चे तो आ जाएगा विंडोज प्लेटफॉर्म, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया है, कोई बात नहीं, कि मैं जाके यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ गया सिस्टम लिख दिया, ठीक है, विंडोज, लाइनेक्स पे लाइनेक्स आ जाएगा। तो ऐसे